देश के करीब 6 करोड़ ईपीएफ धारकों को बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर घटाने का फैसला किया है। कैसे इस कदम से कमाई कम हो जाएगी और कैसे शुरू हो गई है राजनीति, आइए आपको दिखाते हैं। ये हैं दिल्ली के रहने वाले आशीष मुराब, जो आईटी प्रोफेशनल हैं। आशीष को ईपीएफ की ब्याज दर कम किए जाने पर सीधा एतराज है। 8.5 से 8.1 करना इज नॉट एन इनकरेजिंग स्टेप। जब भी एक आम आदमी, एक सर्विस क्लास इंसान जब रिटायर होता है तो एक पीएफ ही उसके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो टैक्स फ्री है और उसका जो बुढ़ापे में आफ्टर रिटायरमेंट जो साथ देता है। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो गवर्नमेंट को इतना तो सोचना चाहिए कि वो बढ़ा नहीं सकते हैं, कम से कम इसको घटाए ना। यही राय जोधपुर के सरकारी कर्मचारी परमानंद गुर्जर की है। उनका मानना है कि ब्याज दर कम करने का सीधा असर रिटायरमेंट के प्लान पर पड़ना तय है। तो ब्याज हमको 8.50% के हिसाब से मिलते थे, उसको भी उन्होंने सरकार ने 8.10 कर दिया, तो इससे हमारे जो भविष्य के सपने हैं, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की शादी करना, उस पर काफ़ी आघात पहुंचा है। तो ये सरकार ने जो घोषणा की है, ये हम सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही दयनीय है। दोनों की ये राय बताती है कि ईपीएफ ब्याज दर कम कर सरकार ने आम जनता को जोर का झटका दिया है। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के फैसले का असर 6 करोड़ लोगों पर पड़ेगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ईपीएफ की ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया गया है। पिछले 40 सालों में यह सबसे कम ब्याज दर है। इससे पहले ईपीएफ पर सबसे कम ब्याज दर 8% 1977-78 में थी। सरकार के इस कदम से पीएफ में जमा रकम पर कम ब्याज मिलेगा। तो इस समय सरकार के ऊपर कोई डायरेक्ट बोझ ना आए, जिससे कि डेवलपमेंट का जो पैसा है वो पेंशन में डाइवर्ट ना हो। पहले ये बहुत होता था, इसीलिए ये जरूरी था कि इस जो इंटरेस्ट रेट है ईपीएफ का, उसको रैशनलाइज किया जाए ताकि सरकार को अपने डेवलपमेंट फंड को डाइवर्ट ना करना। वित्त वर्ष 2015-16 में ईपीएफ पर ब्याज दर 8.8% थी। इसके बाद 2019-20 में घटते हुए ये 8.5% हुई और अब यानी 2021-22 में इसे 8.1% कर दिया गया है। पिछले कुछ सालों की कटौती के ट्रेंड को भी देखें तो ये सबसे तीखा प्रहार है। इस फैसले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे जीत का रिटर्न गिफ्ट बता रही है तो बीजेपी कह रही है कि हालात को देखते हुए फैसला लेना पड़ा। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रोविडेंट फंड पे मिलने वाले ब्याज की दरों को बढ़ाकर जख्मों पे मलहम लगाने का काम करेगी, पर खबर मिल रही है कि जख्मों पर ब्याज को कम करके नमक रगड़ने की कोशिश की जा रही है। यह अन्याय है कर्मचारियों के साथ। और फिर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस आर्थिक देश के आर्थिक ढांचे को 5 खरब तक की बनाने की जो घोषणा की है, तो बहुत से ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जो थोड़ी बहुत लोगों को परेशानी हो, लेकिन इसके दूरगामी अच्छे परिणाम होंगे सुनिश्चित तौर से। अभी आम जनता पर चौतरफा मार पड़ रही है। सवाल है कि आम इंसान जाए तो कहां जाए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।